गंगा सागर तालाब में डूबने से छात्र की मौत। शहर के गंगा सागर तालाब में डूबने से एक बच्चे की मौत हो गई। मृतक बच्चे की पहचान लहरसराय थाना के मौलागंज निवासी चंदेश्वर गुप्ता के पुत्र विशाल कुमार 13 वर्षीय के तौर पर हुई। बताया जाता है कि विशाल घर से कलश शोभा यात्रा के साथ निकला था, फिर घर वालों को उसके गंगा सागर पोखर में डूबने की खबर मिली। स्थानीय लोगों का कहना है कि कुंवारी कन्याओं के जल भरने की प्रक्रिया को विशाल किनारे खड़े होकर देख रहा था, फिर एकाएक वो किनारे से फिसलकर तालाब की गहराई में चला गया। पूजा समिति के लोगों ने आनन फानन में उसे पानी से निकाला और DMCH इमरजेंसी में भर्ती कराया, जहां डॉक्टरों ने इस युवक को विशाल को मृत घोषित कर दिया। दरभंगा से काम करके जायत रहा, आइनक के नीचा में हमारा आदमी के 3 गोरा पकड़ के खाली भीतरिया मार मार के एक लबज में बाबू का मारा। एनएस पर कहां पर? एनएस से नीचा वो अपना दो एनएस में कहां पर एनएस में कहां कमलाजी पुल है ना सर? कमलाजी पुल है ना पछवाड़ी पर। आ काल भी गेली घर पकड़ा गार्जियन के कोयला त हमरा की के गे बहुत जित हमरा एले किया कोयला अंगना बैठे हम जे बाद सर हम कले देते छी चप्पल से पूरा मार, लेकिन गाड़ी कौन मारा जब पर पैसा नहीं छते काल हम कुछ चल हम ओकरा कले रंजित रात ई के घर में घुस गेल गोली लागला चल गेल डकैती के काम करे। किस लिए मारा सो बताए? पता कुछ लिए नहीं, पैसा सर लेने दूसर गोरा के कर्जा लेने छिया दूसर गोरा। अच्छा, दूसरे आदमी का पैसा लिए? दूसरे आदमी के बेटी के साथ में 5 ये बिना राम जी लिए जी जी बेटी की शादी 5000 रुपया बेटी के ब्याह। ये कलश यात्रा कल निकली थी, उसमें आपका बच्चा गया हुआ था, कितने बजे घर से निकला? आज सुबह कल नहीं सर, आज सुबह में 6 बजे घर में ही था, हम भी थे। अच्छा, उसको हमने फल दिए और बिस्कुट भी दिए, हम खा लिए। वो कहा पापा हम कलश यात्रा से आएंगे, तब आएंगे। 6 बजे घर से निकला। 6 बजे? कितने साल का है? 13 साल का है। 13 साल का, क्या नाम है? विशाल कुमार गुप्ता है। तो उसके बाद निकल गया, तो फिर आपको कैसे पता चला कि वो डूब गया? सर हम तो आइसक्रीम की गाड़ी लगाए हुए थे बाहर में, क्या नाम है, गौसा घाट में लगाए हुए हैं। अच्छा, तो हम बर्फ़ लेके निकल गए। जब सारा मोहनपुर गए तो एक भाई फोन किया जो आपका बच्चा डूब गया। अच्छा, फिर हम वहाँ से रिटर्न आ रहा है, तो अभी आधा घंटा हो गया किया है। अच्छा, अभी आधा घंटा अनुपस्थित में सब समिति वगैरह यहाँ लेके आए। किस मंदिर के शोभा यात्रा में शामिल था आपका बच्चा? मौलागंज के। खुद से चला गया था? हाँ, साथ ही सब जाता आता है तो देख के चला गया। कलश यात्रा निकला मोहल्ला का। न्यूज के प्रायोजक है मेम साहब लेडीज वेयर, एड्रेस सिटी सेंटर नियर ली शोरूम, सुभाष चौक, दरभंगा। नफीसा हज एंड उमराह ट्रेवल, हज उमराह ज्यारत 16 अक्टूबर 2023, अमाउंट 95,000, दिल्ली टू दिल्ली 15 डेज, सऊदी एयरलाइंस। 10 नवंबर 2023, अमाउंट 95,000, दिल्ली टू दिल्ली 15 डेज, सऊदी एयरलाइंस। 20 दिसंबर 2023, अमाउंट 95,000, दिल्ली टू दिल्ली 15 डेज, सऊदी एयरलाइंस। 15 जनवरी 2024, अमाउंट 95,000, दिल्ली टू दिल्ली 15 डेज, सऊदी एयरलाइंस। पैकेज इंक्लूजन एयर टिकट, उमरा वीजा, होटल, इंश्योरेंस, फूड, राउंड ट्रिप, ट्रांसपोर्टेशन बाय बस, जियारत, जमजम लॉन्ड्री। डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड, पासपोर्ट, दो पासपोर्ट साइज फोटो, पैन कार्ड। इस बार हज उमरा का प्रोग्राम यह है, 2 सितंबर को पहला ग्रुप जा रहा लगा 15 दिन के लिए, 16 सितंबर को वापसी होगी। 95,000 की पैकेज है और सारी सहूलत है इसमें, खाने से लेके लॉन्ड्री, इंश्योरेंस, ज्यारत, मक्के की, मदीने की, सब इंक्लूड है इसके अंदर। कहाँ कहाँ से लोग इसमें आते हैं जिनको? पूरे बिहार से हमारे पास है, किशनगंज, अररिया, कटिहार, सीतामढ़ी, पूर्णिया, सब जगह के लोग आते हैं दरभंगा के लिए। कितने वर्षों से आप कर रहे हैं ये? 15 साल हमारा हुआ, ऐसे तो हमारा 30 साल का एक्सपीरियंस है, 15 साल से ग्रुप लेके जाते हैं, साल में 5-6 ग्रुप जाता है हमारे, और साथ में हम खुद जाते हैं, सारा मेंटेनेंस रेजिमेंट हम खुद करते हैं, इसमें किसी भी अनुभव।